आएंगे, पहले हमें विकसित कीजिए, उसके बाद विकास तो होते रहेंगे। जब तक ये दुनिया चलता रहेगा तब तक विकास होते रहेंगे, विकास का कोई सीमा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो जनजाति जो मूल निवासी है त्रिपुरी जाति करके, उसको तो विकसित होने दीजिए, क्योंकि ये जो इतिहास बता रहे हैं हमारे साथी जो है 184 राजा अब राज अभिषेक हुआ है, दो राज्य के बारे में बोला, उनका राज अभिषेक नहीं हो पाया, क्योंकि इस कारण ही नहीं हो पाया, उनके राजा होने के ऐसे मौके आए थे तब हमारा जो राजतंत्र चलते थे जिन राज्य वो भारत के साथ जुड़ गया था, तभी हमने सोचा था कि आज़ाद भारत के साथ जुड़कर हम भी आबाद हो पाएंगे। लेकिन 70 साल गुजारने के बाद देखा गया हम लोग आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो रहा है। इसलिए इसका जो जिम्मेदार है वो देश की सरकार है, और देश की सरकार कोई भी हो जो चलाते हैं उनके प्रति हमारा यही निवेदन है, यही अपील है कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए। और हम आज जीने की इच्छा से ही इतनी दूर से अपना सबको छोड़ के, मतलब हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करने का पड़ता है, उसके बावजूद भी हम लोग दिल्ली हर साल आते रहे, इसलिए कि दिल्ली हमें कभी ना कभी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, हमारे मांगे नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी मांगे सुनिए, सिर्फ देश का सरकार नहीं पूरी देश के लोग ही सुनिए, कि हमें जो कमज़ोर लोग हैं उसके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी भारतीय हैं। और यही सोच लेकर आप लोगों की सहायता से हम लोग सरकार की कानों तक हमारी मांगों को पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल तो शीतकालीन जो सदन चल रहे हैं, इस सदन में हमारी जो मांगों को लाया जाए और पारित किया जाए, इसमें बहस करने का जो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अलग राज्य ना बने तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ ही सालों में हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो वजूद है वो मिटने जा रहा है। और मैं और एक यही भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग साथी ने बोला है कि पिछले त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोला है कि आप लोग विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में हमारे साथ सहयोगी बन के लड़िए, और आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम भी आपकी सहयोगी बनेंगे। और हम लोग यही कहते हैं आपसे, हमने कर दिखाया कि त्रिपुरा लैंड की मांगों को लेकर पिछले 25 साल जो राज करते थे CPM त्रिपुरा में, आज उसी IPFT की सहयोगी से आप लोग वहाँ पर त्रिपुरा पर सरकार बना पाई है, और आपकी द्वारा ही त्रिपुरा लैंड बनना चाहिए, और यही जो डिमांड है आप बिल के रूप में प्रस्ताव लाइए, हमारी सिर्फ यही निवेदन है और कुछ नहीं है बस। और ये बन जाने से हम सब खुश होंगे, और देश के साथ देश की हर कदम पर हम भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे दुश्मन देशों से लड़ना हो, चाहे भारत की जयकार करना हो, तभी बोलेंगे हम सब भारत माता की, त्रिपुरा लैंड की, त्रिपुरा लैंड हमारा है, त्रिपुरा लैंड हमारा है, भारत हमारा है, हम भारत की नागरिक है, भारत की सरकार हमारी मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा। बस धन्यवाद। त्रिपुरा लैंड से यहाँ पर लोग आए हुए, उन्होंने अपनी कहा कि हमारी मांगों को सरकार सुने नहीं, हमें आने में बहुत परेशानी होती है।